दोस्तों आज बात करेंगे हम ई कॉमर्स फोटोग्राफी के लिए। ई कॉमर्स आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बहुत सारे फोटोग्राफर्स को वहाँ काम मिल रहा है और बहुत जो है आजकल ऐसे फोटोग्राफर्स की डिमांड है जो लोग ई कॉमर्स फोटोग्राफी का काम अच्छे से जानते हैं या इस काम के अंदर स्पेशलाइज्ड हैं। तो दोस्तों मेरे पास में बहुत सारे सवाल पिछले काफ़ी दिनों से आ रहे थे ई कॉमर्स फोटोग्राफी को लेकर, तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर मैं ये पूरा वीडियो बनाता हूँ और यहाँ पर हम बात करेंगे इससे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट सवालों के जो मुझसे पूछे गए हैं। तो अगर आप एक ई कॉमर्स के अंदर अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं एज अ फोटोग्राफर तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों यहाँ बहुत सारे जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं या जो फोटोग्राफर्स ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं, उन्होंने पूछा एक सिंपल से सवाल कि सर ये ई कॉमर्स फोटोग्राफी आखिर है क्या। तो यहाँ पर दोस्तों एक सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ जो कि आपको ई कॉमर्स के थ्रू बेची जा रही है ऑनलाइन, यानी कि किसी भी चाहे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या किसी भी पोर्टल पे, माइंत्रा पे आप देखते हो या इंस्टाग्राम के ऊपर, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट हो, जूते, चप्पल, कपड़े, व्हाटएवर, लाइक कारें, बाइक्स, ऑटोमोबाइल्स, एनीथिंग जो भी बिक रहा है और उनके जो फोटोज़ हैं जो फोटोग्राफर्स क्लिक करते हैं, तो बेसिकली वो एक पूरा ई कॉमर्स फोटोग्राफी में आ जाता है कि भाई आपने फ़ोटोज़ खींचे किसी भी प्रोडक्ट के, उसको सेल किया जा रहा है ऑनलाइन के ऊपर और उसके द्वारा जो है पूरी सेल्स होती है। तो यहाँ पर इस कैटेगरी में बहुत सारे फोटोग्राफर्स की डिमांड है, बहुत सारे लोग इसमें अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। तो सिंपल तरीके से समझा तो ई कॉमर्स फोटोग्राफी बेसिकली जो है वो है ऑनलाइन पे कोई भी चीज़ बिक रही है उसके लिए फ़ोटोग्राफ़र्स की ज़रूरत पड़ती है और वो ई कॉमर्स फोटोग्राफी के अंदर ही आता है। अब जो दूसरा सवाल मुझसे बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स ने पूछा है कि सर इसके लिए कौन से गियर्स आपको ज़रूरी होते हैं ई कॉमर्स करने के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि कई बार हमें सवाल लगता है बेसिक सा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिक सवाल है बट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर आपको जहाँ तक गियर्स की बात आती है तो दोस्तों ये एक बात ध्यान रखिए, अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो यहाँ पर कम से कम आपके पास में एक अच्छा मैक्रो लेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं तो मैक्रो लेंस होगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप गारमेंट शूट करते हैं, ज़्यादातर गारमेंट्स के बहुत सारी आजकल ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो कि ई कॉमर्स के थ्रू अपने गारमेंट्स को सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास कम से कम एक 24-70 mm फोकल लेंथ का एक लेंस होना चाहिए ताकि वहाँ आप मॉडल का जो है फुल लेंथ 3/4 या थोड़ा सा पोर्ट्रेट टाइप के फ़ोटोज़ हैं वो आसानी से आप ले पाएँ। तो यहाँ पर ई कॉमर्स के अंदर लेंसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आप अगर एक ई कॉमर्स फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आप अपने लेंस का सिलेक्शन बहुत केयरफुली करिए, ये दो लेंस काफ़ी होते हैं। उसके बाद तो अगर आपका काम अच्छा है या आपके पास में बजट अच्छा है तो और भी अलग अलग तरह के लेंसेज आप अपनी किट में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम कैमरा की, तो आप कैमरा कोई भी ले सकते हैं। एक आपके पास में 15 मेगापिक्सल से लेके जो है 24 मेगापिक्सल तक का कैमरा काफ़ी होता है ई कॉमर्स फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि ई कॉमर्स जो है वो ज़्यादातर ऑनलाइन ही सेल किया जाता है। तो वहाँ पर आपको जो है ऐसा नहीं कि आपके पास में 30-40 मेगापिक्सल का कैमरा होना ज़रूरी है। अब 30-40 मेगापिक्सल का कैमरा भी थोड़ी आपको हेल्प करता है, क्योंकि अगर आपको क्रॉपिंग करनी है तो वहाँ पर ज़्यादा मेगापिक्सल जो हैं वो थोड़ा सा हेल्प करते हैं, बट एक जनरली 15 से एक 24 मेगापिक्सल का कैमरा काफ़ी होता है ई कॉमर्स के लिए, क्योंकि जो उसका डिस्प्ले है उन पिक्चर्स का वो या तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे होगा, लैपटॉप पे होगा या मोबाइल फ़ोन्स के अंदर होगा, क्योंकि वहीं पर हम इस तरह की साइट्स को जो है ब्राउज करते हैं, वहीं ऑनलाइन सारा ट्रांजेक्शन होता है। तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि बहुत महंगे कैमरा में पैसा डालना है, लेकिन आपको महंगे लेंसेज ज़रूर खरीदने चाहिए जिससे आपकी पिक्चर्स जो हैं वो अच्छी डिटेल के साथ में, शार्पनेस के साथ में निकल के आएँ और जिस भी प्रोडक्ट का आप शूट कर रहे हो उसकी जो फिनिश है वो उस फोटोज़ में दिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं लेंसेज। उसके अलावा अगर आप बात करें गियर्स की तो यहाँ पर कम से कम आपके पास में दो लाइटिंग का सेटअप होना चाहिए। अब लाइटिंग के लिए देखिए दोस्तों बहुत लंबी चौड़ी जो है एक लिस्ट है, सस्ती सस्ती, महंगी से महंगी, बट आप लाइट ऐसी लीजिए जिसका कलर टेम्परेचर थोड़ा स्टेबल हो। अब कोई भी लाइट जो है परफेक्ट कलर टेम्परेचर के साथ में नहीं आती है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है उसका कलर टेम्परेचर, लेकिन जो भी लाइट आपको एक स्टेबल कलर टेम्परेचर दे रही है वो लाइट आपके लिए बढ़िया है। तो यहाँ पर आप कम से कम एक 400 वॉट की लाइट या उसके ऊपर की वॉट की लाइट्स में आप थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे पैसा तो अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर बजट कम है तो आप नीचे वाला भी ले सकते हैं, बट एटलीस्ट आपके पास में एक 400 वॉट की लाइट होना चाहिए। यार दो सपोर्टिंग लाइट आपने 200-250 वॉट्स की ले ली या आपने छोटे फ्लैश ले लिए,
तो भी काम चल जाएगा। बट एक आइडियल सेटअप के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास में 400 वॉट्स का तो एक लाइटिंग सेटअप होना चाहिए, किट है तो बहुत अच्छी बात है, और धीरे धीरे आप बाद में अपने लाइटिंग गियर्स को भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ और गियर्स खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि टेदर केबल। अब टेदर केबल के लिए भी बहुत सारे लोगों ने पूछा सर ये टेदर केबल क्या होता है, तो टेदर केबल बेसिकली फ्रेंड्स आपके कैमरा को आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ में जो हम कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि जब भी आप किसी प्रोडक्ट का फोटो खींच रहे हैं तो जैसे ही आप पिक्चर्स अपने कैमरा से खींचेंगे वो डायरेक्टली वो पिक्चर जो है उस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, ताकि वहाँ पर आप देख पाओगे कि भाई मेरे जो कलर्स ठीक से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मेरे जो लाइटिंग जो है वो ठीक से है कि नहीं है, और ओवरऑल जो मेरा शॉट है वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो एक टेदर केबल भी आपको ज़रूर खरीदना पड़ेगा, वो करीब 3 से 4 हज़ार रुपये के अंदर या थोड़े हायर मॉडल में थोड़ा सा महंगा मिलता है, बट टेदर केबल इज़ मस्ट हैव एक्सेसरी फॉर ई कॉमर्स फोटोग्राफी। उसके अलावा आपको छोटे छोटे एक्सेसरीज जैसे कि ग्रे कार्ड हो गया वो आपको लेना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों आपको एक दो एक्स्ट्रा बैटरी आप खरीद के रखिए, ताकि आपका शूट अगर लंबा चलता है तो ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। सो मोटे मोटे तौर पे अगर ये सब चीज़ें आपके पास में हैं तो आपके जो गियर्स हैं वो इनफ हैं दोस्तों। अब उसके अलावा आपको जो लाइट मॉडिफायर्स हैं वो आप ब्यूटी डिश हो गया, आप 60 सेंटीमीटर्स का 85 सेंटीमीटर्स का जो है ऑक्टा सॉफ्ट बॉक्स ले सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा अगर आप गारमेंट्स का ले रहे हैं मॉडल्स के साथ में शूट कर रहे हैं तो वहाँ पे 90 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर्स का जो पैराबॉलिक सॉफ्ट बॉक्स आता है, या आपका ऑक्टा जो शेप के अंदर आपको जो सॉफ्ट बॉक्स मिलते हैं वो आप ले लीजिए, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कहने का मतलब है दोस्तों ये सारी चीज़ें एक ई कॉमर्स फोटोग्राफर्स के पास में होना ज़रूरी है। अब उसके अलावा देखिए दोस्तों स्टूडियो का भी कई लोगों ने पूछा कि क्या सर उसके लिए हमारे पास में स्टूडियो होना चाहिए। देखिए अगर आपके पास में स्टूडियो की जगह है तो एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है, लेकिन अगर आपके पास में स्टूडियो नहीं है तो आप किसी का भी स्टूडियो हायर कर सकते हैं, रेंट पे करके आप वहाँ पूरा दिन शूट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप जिसके लिए काम कर रहे हैं वहाँ पर आप पूछ लीजिए कि भाई आपके पास में जगह है, तो अगर उनके पास में थोड़ी बहुत भी जगह है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या उनके पास उनका घर है, उनका बंगलो है, या उनके जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ पर अगर इस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है उनके कमरे के अंदर या कुछ भी, तो वहाँ पर आपको 2-3 हज़ार रुपये में एक लाइट स्टैंड मिल जाता है, और कुछ बैक रोल्स जो हैं सीमलेस पेपर बैकग्राउंड्स या जो क्लॉथ के बैकग्राउंड जाते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं ई कॉमर्स फोटोग्राफी के अंदर। तो बेसिकली ये सारे गियर्स जो हैं दोस्तों ये आपको बहुत हेल्प करते हैं ई कॉमर्स फोटोग्राफी के लिए। तो इनमें से जो भी असेंशियल्स हैं मैंने तो आपको काफ़ी सारी लंबी लिस्ट बता दी है, लेकिन जो भी आपके बजट में आ रहा है आप उनको कंसिडर करिए और अपने काम को शुरू करिए। काम को शुरू करना इम्पॉर्टेंट है। कुछ गियर्स या कुछ एक्सेसरीज अगर मिसिंग भी हैं तो उसे आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप काम शुरू कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एज अ ई कॉमर्स फोटोग्राफर, और आप उस क्राफ्ट को धीरे धीरे सीखते जाएंगे और आपको पता चलेगा कि जो भी गियर्स हैं वो एक्चुअल में आपकी ई कॉमर्स फोटोग्राफी में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, आपको कितना सीखना है और कितना गियर्स हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं उस तरह की पिक्चर्स को अचीव करने के लिए। अब तीसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि सर अगर हमारे पास में गियर्स भी हैं, लेंसेज हैं, लाइट गियर्स भी हैं, तो हमको शूट की तैयारी कैसे करनी चाहिए अपने ई कॉमर्स के लिए। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि शूट करना मेरे हिसाब से काफ़ी आसान होता है, लेकिन उसकी तैयारी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो शूट की तैयारी से मेरा मतलब है कि दोस्तों जिस भी चीज़ का आप शूट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी साड़ी का शूट कर रहे हैं या किसी सलवार सूट्स के ब्रांड का या शर्ट्स का या ट्राउजर्स का या शूज़ का, आप जिस भी चीज़ का शूट कर रहे हैं तो शूट के पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप साड़ी का कर रहे हैं, सलवार सूट्स का, तो आपको जो भी मॉडल को आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ में जिस भी डिज़ाइनर का, जिस भी क्लाइंट का आप शूट कर रहे हैं, उनको पहले आप ट्रायल ज़रूर करें उन कपड़ों की, यानी कि वो जो कपड़े आपको मिलने वाले शूटिंग वाले दिन वो मॉडल के ऊपर सही फिटिंग के साथ आना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है मॉडल तो बड़ी सुंदर सी हायर कर लेते हैं, शूट वाले दिन मॉडल पहुंच जाती है, उसके बाद जो है वो डिज़ाइनर भी आ गई, लेकिन जो फिटिंग है वहाँ पर बहुत मिसमैच होती है। तो अच्छे गारमेंट्स होने के बावजूद भी जो है, अच्छी मॉडल होने के बावजूद आपकी पिक्चर जो है वो बहुत ही एवरेज नज़र आती हैं वहाँ पर। ये इतनी बड़ी गलती हो गई, ना तो डिज़ाइनर को समझ में आती है ना फोटोग्राफर को, और बाद में होता है कि दोनों एक दूसरे को जो है कंप्लेंट करते हैं, वो कहते हैं कि पिक्चर्स अच्छी नहीं आई, डिज़ाइनर और फोटोग्राफर कहता है कि भाई जो मॉडल पे कपड़े ठीक नहीं लग रहे थे, फिटिंग्स ठीक नहीं थी। तो फिटिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब भी शूट करता हूं दोस्तों तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट को अपने स्टूडियो बुलाता हूं और पहले मैं फिटिंग्स देखता हूं, अगर फिटिंग्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो सबसे पहले आपको एक सही मॉडल का चुनाव करना है,
तो आप देखिए कि मॉडल उस कपड़े में ठीक लगेगी कि नहीं लगेगी, स्किन टेक्सचर है उसका, लुक जो है उसका, जो हेयर है वो सब कुछ कॉम्प्लीमेंट करेगा कि नहीं करेगा उस तरह के गारमेंट्स के साथ में, इसको आपको पहले ध्यान रखना है। जब एक बार आप मॉडल को सेलेक्ट कर लें उसके बाद आप अपने क्लाइंट को कॉल करिए और बोलिए कि सर ट्रायल के लिए आइए, और मान लीजिए 20 कपड़े 25 कपड़े जो भी शूट कर रहे हैं वहाँ पर आप उसके अच्छे से ट्रायल करिए, मॉडल वो कपड़े पहन के देखेगी, एक मॉडल है दो मॉडल है जो भी है आप ट्रायल करिए, उससे आपको पता चलता है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, चाहे आपका देखिए कलाई होती है ना यहाँ पर, यहाँ भी अगर थोड़ा ढीला है तो बड़े ख़राब लगते हैं, तो उसी हिसाब से फिटिंग होनी चाहिए, शोल्डर्स में फिटिंग सही आनी चाहिए, कमर के ऊपर जो है कपड़ा ठीक से फिट होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके फ़ोटोशूट की डिटेलिंग में बहुत काम आती हैं। तो सही मॉडल का चुनाव करना, सही तरीके से फिटिंग्स करना, उसके बाद जो है फुटवेयर्स कैसे होंगे, फुटवेयर से क्या तो उसका स्टांस कैसा रहेगा, मॉडल जब खड़ी होगी वो फुटवेयर पहन के तो किस तरह की लगेगी, क्योंकि उसकी हाइट भी बहुत मैटर करती है, और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना दोस्तों ये आपको शूट के पहले ही देखनी है, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको एक पूरा 4-5 घंटे का टाइम जाएगा दिन में, लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई इस तरह से मेरा मॉडल शूट वाले दिन दिखने वाला है। तो आपको एंगल्स बैठाने में, आपको बैक रोल्स को सेलेक्ट करने में, कपड़ों का कलर्स आपको पहले पता चलता था इन एडवांस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अपने जो फाइनल डे शूट का होता है वहाँ पर आपको करने में काफ़ी आसान हो जाता है। अब जो चौथा सवाल यानी कि फोर्थ क्वेश्चन, वो भी बहुत ही अच्छा पूछा है हमारे सब्सक्राइबर्स ने, और वो ये पूछा है कि सर जिस दिन शूट होता है उस दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब शूट करते हैं हम दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी गारमेंट्स आप शूट कर रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट आप शूट कर रहे हैं वो सही कलर्स के साथ में आप कैप्चर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम क्लाइंट्स को यही आता है कि भाई जो मेरा सूट है वो तो है हरे रंग का, लेकिन जो पिक्चर के अंदर आ रहा है वो आ रहा है ब्लू कलर, या अगर आप देखेंगे अगर वाइट कलर का गारमेंट है तो वो थोड़ा ऑफ वाइट आ रहा है या थोड़ा ग्रेइश जा रहा है, या अगर रेड कलर का गारमेंट है तो वो प्योर रेड, जो भी रेड कलर है वो रेड ना आके थोड़ा सा जो है हल्का सा पिंक जा रहा है या हल्का सा थोड़ा ऑरेंज की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर कलर बहुत शिफ्ट होता है, क्योंकि जब हम शूट करते हैं तो वहाँ मॉडल के ऊपर लाइट थ्रो करते हैं जिससे कई बार कलर्स में वेरिएशंस आते हैं। आपने देखा भी होगा कि नीचे कई बार वो डिस्क्लेमर भी डालते हैं कि भाई कलर में वेरी जब आप प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हो, वो इसी वजह से होता है क्योंकि कलर्स फोटोग्राफर ने ठीक से कैप्चर नहीं किए हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कलर्स का ध्यान रखना है। अब कलर्स को ठीक करने के लिए दोस्तों आपके पास में होना चाहिए एक ग्रे कार्ड आप ले लीजिए, या आप एक कलर चेकर आता है वो आप रखिए अपने पास में, ताकि आप कलर्स जो है वो एक्यूरेट कैप्चर कर सकें। मैंने ग्रे कार्ड के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं, वो वीडियो देखिए, वहाँ मैंने बताया किस तरह से आप अपना वाइट बैलेंस कलर्स को करेक्ट कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको जो है कलर्स अच्छे मिलेंगे। दूसरा, आप पूरा फोटोशूट जो है वो रॉ पे ही करिए, ताकि बाद में कोई भी आपको एडजस्टमेंट करना है इन टर्म्स ऑफ कलर बैलेंस या इन टर्म्स ऑफ वाइट बैलेंस कलर टेम्परेचर, वो सारा आप बाद में ठीक कर पाएंगे। दूसरी चीज़ आपको इस बात का ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी मॉडल की बॉडी लैंग्वेज एंड पोजिंग। अब मॉडल पोज कैसे कर रहा है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि मॉडल किस तरह से गारमेंट को शो कर रहा है। अब कई बार जो है ना गारमेंट शूट करते हैं लोग मॉडल के हिसाब से शूट कर देते हैं, यानी कि उनका फोकस मॉडल पर रहता है ना कि उनके गारमेंट्स पर, तो आप ऐसा मत करिए। आपको जो फोकस है वो आपको रखना है बिल्कुल गारमेंट्स के ऊपर जो आप दिखाने वाले हैं। तो आप मॉडल को कई बार बोल सकते हैं कि भाई उसका फेस जो है वो इधर कर ले या इस साइड कर ले या नीचे करे या ऊपर करे, या उसको इस तरह से पोजीशन दीजिए जो उसको पोजिंग है वो पोजिंग इस तरह की हो कि जो सारा फोकस है वो क्लोथिंग पे होना चाहिए। मॉडल को जो है हमें एज अ प्रॉप यूज़ करना है, ना कि मॉडल हमारा मेन सब्जेक्ट है। बिल्कुल मॉडल हमारे लिए ज़रूरी है, बट मॉडल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो कपड़े हैं वो खूबसूरती से दिखाई दे। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मॉडल की पोजिंग जो है वो करेक्ट होनी चाहिए, गारमेंट्स के ऊपर फोकस होना चाहिए, ताकि जब वो ऑनलाइन पे जाएंगे बिकने के लिए तो वहाँ पर जो कस्टमर का ध्यान है वो मॉडल की तरफ कम और गारमेंट्स पे ज़्यादा होना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और चौथी चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, आपको टेदर शूटिंग करनी है, वो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, तो इसलिए टेदर केबल आप ज़रूर लगाइए। वो ना केवल आपको ये बताएगा कि आपकी लाइटिंग कैसे जा रही है, आपको ये भी बता देगा कि आपके कलर्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि आप सारी चीज़ें जो है बड़े स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके बाद आखिर के अंदर मैं आपको बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने भी पूछा है कि सर शूट तो हो गया, अब पोस्ट प्रोडक्शन हमको वो किस तरह से हैंडल करना चाहिए। तो ये आखिरी क्वेश्चन मैंने लिया है अभी, आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस अभी खत्म हो गए हैं, तो मुझे 5 अच्छे लगे थे तो मैंने कहा ये 5वां यही है, बिल्कुल पोस्ट प्रोडक्शन। तो पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर दोस्तों देखिए, अगर आपने रॉ पे शूट किया है तो आप इमेजेस को आप अपने हाथों से प्रोसेस कीजिए। अब यहाँ पर बहुत लोगों ने पूछा है कि सर सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो भाई 2 सॉफ्टवेयर हैं, आप लोग भी जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक तो है लाइटरूम जो आपको आपकी रॉ इमेज को प्रोसेस करने के काम आता है, और दूसरा जो सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी पॉपुलर है वो है कैप्चर 1 प्रो। तो ये 2 सॉफ्टवेयर हैं,
मैं पर्सनली कैप्चर वन प्रो ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं सालों से उस पर ही काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए मुझे थोड़ा इजी लगता है, बट लाइट रूम इज़ एज गुड एज कैप्चर वन प्रो और वहाँ पर भी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो आप रॉ इमेज को खुद प्रोसेस कीजिए क्योंकि आपने शूट किया है, आपको पता है कलर्स कैसे हैं क्या है, और उसके बाद जो है आप अपने पिक्चर्स को एडिटर को भेजिए जो प्रोफेशनल एडिटर है। वहाँ पे जो मॉडल का फेस में इशू है या आप देख रहे हैं कोई ब्लेमिशेस है, फ्रेकल्स है या किसी तरह के स्ट्रे हेयर हैं शूट करते वक्त यहाँ वहाँ चले गए हैं, तो वो सारा ध्यान रखेगा और ओवरऑल आपकी पिक्चर के अंदर जो है वो एडिटर अच्छी फिनिश के साथ में आपको देगा। वो पिक्चर्स आप फाइनली जो है अपने जो भी आपका क्लाइंट है वो अपने इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर अपलोड कर सकता है या अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर वो अपलोड कर सकता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है, तो इन बातों का थोड़ा आपको ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हो सकता है मैं भूल गया हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर मैं कुछ यहाँ पर भूल रहा हूँ। तो अब आपको ओवरऑल जो ई कॉमर्स फोटोग्राफी है दोस्तों वो कुल मिला के यही है कि आपके पास में जो है सही गियर्स हों, कैमरा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, ठीक ठाक रीजनेबली गुड कैमरा चल जाएगा, लेकिन लेंसेज जो हैं वो आपके लिए मेजरली इंपॉर्टेंट है, लाइटिंग गियर ठीक हो और आपका जो स्टूडियो सेटअप है जहाँ भी आप बना रहे हैं वो आपका करेक्ट होना चाहिए। यस, यहाँ पर एक चीज़ जो है मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आप जो भी बैकरोल यूज़ कर रहे हैं वो आप ऐसे बैकरोल्स यूज़ करिए जो उस कपड़े के साथ में जाते हों। यानी कि अगर आपने मान लीजिए मॉडल ने अगर रेड कलर पहना है तो पीछे आप येलो भी रख सकते हैं, वाइट पे भी शूट कर सकते हैं, या जो भी कलर उसने डाला है उसके कॉन्ट्रास्ट में या उसको सपोर्ट करने वाले जो बैकरोल्स हैं वो बैकग्राउंड्स हैं वो आप यूज़ करिए, तो वहाँ पर जो है वो कपड़ा और भी फिनिश के साथ में नज़र आएगा। एक सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों और मैं एक पर्सनली ऐड करना चाहूँगा, जब भी आप शूट करें अपने मॉडल के साथ में तो होता ही है कि जब हम फोटो एक दिन में मॉडल को 20 से 30 गारमेंट शूट करने पड़ते हैं तो जब मॉडल आती है तो उसका एनर्जी लेवल शुरू में तो बहुत अच्छा होता है लेकिन 4 घंटे के बाद उसकी एनर्जी लेवल जो है वो डाउन होने लगता है। तो आप अपने मॉडल के साथ अच्छे से पेश आएँ, उसे अच्छे से जूस खाना पीना पानी या हल्का फुल्का जो भी डाइट है वो उसकी चलती रहनी चाहिए शूट के दौरान ताकि उससे थकान महसूस ना हो। और सेम आपके लिए भी अप्लाई करता है, आप भी कुछ खाते पीते रहिए क्योंकि आपको भी 10-12 घंटे काम करना है। तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं एंड आप यहाँ वहाँ से खाने को ऑर्डर मत कीजिए जंक फूड खा के, क्योंकि जब हमने करियर की शुरुआत की थी हम ऐसे ही करते थे, बाहर से ऑर्डर करके मंगाते थे और फिर शूट चलता था तो आपकी तबीयत भी ख़राब होती है, सेहत भी ख़राब होती है। तो यहाँ पर आपको एक पूरा अच्छा माहौल बना के रखना है, जो भी आपके क्रू मेंबर्स हैं चाहे वो आपके मेकअप आर्टिस्ट हों चाहे आपके हेयर स्टाइलिस्ट हों, उन सबको आपको एक एज अ कैप्टन की तरह आपको उनको सबको साथ में लेके चलना है। और आखिर में बस यही कहना चाहूँगा, मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग पे भी आपको अच्छा ध्यान देना है, वो भी अच्छी टीम में होने चाहिए आपके ताकि आपका जो मॉडल का लुक है वो काफ़ी खूबसूरत निकल के आए। और इसके अलावा कुछ मैं पॉइंट्स भूल गया हूँ दोस्तों तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और इससे जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।